नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के वाड़ी में गंदगी से रहवासी परेशान। वार्ड नंबर 13 के रहवासी गंदगी से परेशान। नगर प्रशासन से लोगों को गंभीर समस्या से निराकरण कराने की मांग। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी। वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में भीषण बीमारियों का डर बना रहता है। इसके लिए शासन स्तर पर, युद्ध स्तर पर प्रबंध एवं राशि का बड़ा फंड दिया जाता है। सफाई अभियान के नाम पर भारी भरकम राशि शासन प्रशासन को देता है, लेकिन इसके बावजूद जनता गंदगी का दंश झेल रही है। नगर प्रशासन ने नगर की व्यवस्था की गई है सफाई कामगारों की व्यवस्था की, लेकिन यह सफाई कामगार वार्ड में काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सफाई अधिकारी की होती है। क्यों संपूर्ण वार्ड का निरीक्षण और वहां के लोगों की शिकवा शिकायतों का तत्काल निराकरण करता है, लेकिन नियुक्त सफाई दरोगा अपने कर्तव्यनिष्ठ का पालन नहीं कर रहा है, जिसके चलते लोग गंदगी से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 13 में लगे हैं कचरे के ढेर। फिर सफाई करूंगा की लापरवाही और अनदेखी का जीता जागता प्रमाण है। वैसे तो नगर पंचायत में पर्याप्त सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई के नाम पर मात्र रस्म अदायगी चल रही है। सफाई दरोगा जो नगर प्रशासन को रिपोर्ट देते हैं, उससे उलट वार्ड क्रमांक 13 की तस्वीर देखी जा सकती है। रायसेन से संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट।